हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषभ। आज हम आपके लिए लेकर आए किया सेल्टॉस का रिव्यू। ये किया सेल्टॉस का GT9 प्लस वेरिएंट है जो कि इसका टॉप लाइन वेरिएंट आता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सारे फीचर्स के बारे में, इंजन ऑप्शंस के बारे में, प्राइस के बारे में। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके की के बारे में। ऐसी कुछ हमें की मिलती है स्मार्ट की, पीछे की तरफ किया का लोगो। इसमें आपको बटन से मिल जाता है लॉक का, अनलॉक का। इस बटन को होल्ड करने पर जो इसका इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। इस बटन को होल्ड करने पर जो इसका बूट है वो अनलॉक हो जाता है। बात कर लेते हैं अब हम इसके फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट में ऐसे कुछ लगती है। इसके हेडलैम्प्स की बात करी जाए, इस तरफ इसके DRL आ जाते हैं जो कि कॉन्टिन्यू होते होते ग्रिल तक आते हैं। क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ टर्न इंडिकेटर, आइस क्यूब फॉग लैम्प्स, ऐसी कुछ इसकी ग्रिल आती है। टाइगनोज ग्रिल आ जाती है इसमें आपको। 360 डिग्री कैमरे का फ्रंट कैमरा। GT9 की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्रोम के इंसर्ट मिल जाते हैं। 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं नंबर प्लेट की जगह। जो इसकी स्किड प्लेट है वो आपको यहाँ पे सिल्वर में मिलती है, जिसपे आपको GT9 का रेड कलर भी मिल जाता है। चलते अब हम इसके साइड प्रोफाइल पे। साइड में से ऐसे कुछ लगती है। GT9 में आपको 17 इंच इसके अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिनकी प्रोफाइल है 215/60/R17। 190mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और जो इनके ब्रेक कैलिपर्स हैं वो भी आपको रेड कलर में मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको रेड कलर देखने को मिल जाता है। इस तरफ इसके RVMs आ जाते हैं, टर्न इंडिकेटर और इसका 360 डिग्री का साइड कैमरा। क्रोम डोर हैंडल विद रिक्वेस्ट सेंसर। रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ एक जगह देखने को मिलता है, वो भी ड्राइवर साइड डोर पर। इस तरफ आपको 7DCT की बैजिंग मिल जाती है। 7DCT का मतलब यह है 7-speed dual क्लच ट्रांसमिशन। ऊपर की तरफ रूफ रेल जो कि सिल्वर फिनिश में आते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम लाइन भी मिल जाती है जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। चलते इसके रियर प्रोफाइल पर। रियर में ऐसे कुछ लगती है। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। स्पॉइलर, स्टॉप लाइट, विंडशील्ड पे आपको डिफॉगर और वाइपर दोनों मिल जाते हैं। किया का लोगो, नंबर प्लेट की जगह, रियर कैमरा, रियर टेल लाइट। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ये रिवर्स करने की लाइट, ये ब्रेक लाइट। सेल्टॉस की बैजिंग, 2 रिफ्लेक्टर्स, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी आपको रेड कलर इसका देखने को मिल जाता है। GT9 का, GT9 यहाँ पे मेंशनड है। 50 लीटर्स की आपको उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अब आपको किया की सारी कार्स में किया कनेक्ट मिलता है। पहले इसमें आता था यूवो कनेक्ट के नाम से, जो कि इसका कनेक्टेड फीचर है। अब आपको इसमें किया कनेक्ट के नाम से मिलता है। चलते अब इसके इंटीरियर में। ऑल ब्लैक आपको पूरा इंटीरियर मिलता है इसका, विद रेड स्टिचिंग के साथ मिल जाता है आपको। डोर पे आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है। यहाँ पे चारों पावर विंडोज की कंट्रोल, जो ड्राइवर विंडो वो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन मिल जाती है लॉक एंड अनलॉक करने के लिए, और भी हम इसको फोल्ड एंड अनफोल्ड करने के लिए और ये एडजस्ट करने के लिए। चाइल्ड लॉक, सिल्वर डोर हैंडल्स, विद यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, ट्विटर्स, बॉस स्पीकर्स, वाटर वाटर होल्डर को सामान रखने के लिए। इसमें आपको 8-way एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली सीट्स मिल जाती है, जिनको आप 8-way एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इस तरफ इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, हेडअप डिस्प्ले का, इल्यूमिनेशन का, और ये हेडेड लेबलर, AC वेंट। ऑल ब्लैक आपको पूरा इंटीरियर मिलता है, और जगह जगह पे आपको रेड स्टिचिंग मिल जाती है डोर पे भी और सीट्स पे भी। ऐसा कुछ इसका स्टेयरिंग व्हील आता है। यहाँ पे आपको सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे जैसे वॉइस कमांड होगा, मोड्स, ये वॉल्यूम के, चैनल हुए, कॉल के। इस तरफ इसके MID के कंट्रोल्स आ जाते हैं इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स आ जाते हैं, पैडल शिफ्टर्स माइनस और प्लस। ऑटोमेटिक कार है। यहाँ पे इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स की कंट्रोल। जो इसकी स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट है वो यहाँ से आप इसका लॉक हटा सकते हैं। ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हाफ एनालॉग एंड हाफ डिजिटल मिलता है। यहाँ पे आपको RPM मीटर पता चल जाता है, इंजन टेम्परेचर इस तरफ आप पता चल जाता है। इस तरफ इसके स्पीडोमीटर आ जाता है, जिसकी स्पीड 240 तक मैक्सिमम स्पीड है इसकी। इस तरफ इसके फ्यूल का, और इस तरफ इसकी MID आ जाती है। और जो है MID आप इन बटन से चेंज कर सकते हैं सेटिंग इसकी। और यहाँ पे आपको डिजिटल में स्पीड भी पता चलती है, यहाँ पे गियर कौन सा है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे किलोमीटर्स, यहाँ पे रेंज पता चल जाती है। और यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं इंडिकेटर्स के और लाइट्स के भी। जितने भी आप इसके MID के कंट्रोल जो आप इन बटन से कर सकते हैं, जैसे यहाँ से करते हैं, यहाँ पे आपको इन्फो पता चल जाती है गाड़ी की कितने किलोमीटर पर लीटर,
और रेंज टाइम कितने आवर्स चली है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन आ जाती है सारी। यहीं से आप सारा रीसेट भी कर सकते हैं ओके होल्ड करके। यहाँ पे इसकी नेविगेशन आ जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है इसमें आपको। इस तरफ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी और ब्लूटूथ रेडियो और सारे इसी के यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे किया कनेक्ट फीचर आ जाता है, एप्पल कारप्ले, फेवरेट्स, मीडिया, मैप, नेविगेशन, यूएसबी के और रेडियो, स्मार्ट प्योर एयर, एंड्रॉयड ऑटो फ़ोन के। और इस तरफ जैसे आप जाते हैं यहाँ पे आपको सेटिंग के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, होम स्क्रीन इसकी ये, यहाँ पे आपको नेविगेशन चैनल और एक कंपास का पता चल जाता है। जैसे आप इसकी सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ पे आपको सारे व्हीकल सेटिंग, नेविगेशन, फ़ोन, किया कनेक्ट के सारे सेटिंग्स आ जाते हैं। यहाँ पे एडवांस, डिस्प्ले सेटिंग, साउंड और जनरल। जनरल में जैसे आप जाते हैं यहाँ पे आपको डेट, टाइम, लैंग्वेज, जो भी अगर आप इसके डेट एंड टाइम जो भी ये दोनों चीज़ें सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहीं से बैक हो जाते हैं, यहाँ पे नेविगेशन, व्हीकल सेटिंग्स आ जाती हैं, हेडसअप डिस्प्ले के सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, लाइट, डोर, क्लस्टर, कन्वीनियंस, क्लाइमेट, जैसे क्लाइमेट ये सारे कंट्रोल इसी के रिगार्डिंग आते हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है वो जो कि है हेडसअप डिस्प्ले, जो इसका अगर आप जैसे इंजन स्टार्ट करते हैं वो अपने आप बाहर आ जाती है। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप इस बटन से कर सकते हैं हेडसअप डिस्प्ले। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे अभी कुछ देर बाद अब यहाँ पे स्पीडोमीटर लिखा रहा है, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं इसको प्रेस करके। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आपको टू एसी वेंट्स मिल जाते हैं, हेजलाइट का बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी। यहाँ पे इसके सारे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, एसी का, यहाँ पे फैन स्पीड, सर्कुलेशन का बटन, यहाँ पे मोड्स आ जाते हैं, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर ऑफ करने के लिए। यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको छोटी डिस्प्ले मिल जाती है जहाँ पे आपको टेम्परेचर पता चल जाता है, मोड कौन सा है और ये फैन स्पीड। जैसे मैं अभी टेम्परेचर सेट करता हूँ ये 20, अब ये कम होगा, जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे शो करेगी। यहाँ से आप फैन स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ पर शो करेगा सब कुछ। और इसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, 12 वोल्ट का पोर्ट, यूएसबी का पोर्ट, फास्ट चार्जिंग का पोर्ट, ऑटोमेटिक गियर नॉब, 7 स्पीड गियर नॉब मिल जाता है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। और यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट की 2 सीट्स। यहाँ से आप 360 डिग्री कैमरे को चेक कर सकते हैं, यहाँ से जैसे मैं ऑन कर देता हूँ तो ये आ गया 360 डिग्री कैमरा। यहाँ से आप एंगल्स, साइड कैमरा और इसकी ब्राइटनेस सब चीज़ चेक कर सकते हैं यहाँ से इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए। इस तरफ इसका ट्रैक्शन और ड्राइव मोड्स आ जाते हैं, जैसे इसमें आपको इको, जो भी चीज़ यहाँ पे आप सेट करते हैं तो वो यहाँ पे शो करेगी आपको। जैसे अभी ये है स्पोर्ट्स मोड पे, अब इको मोड पर, अब नॉर्मल मोड पे। और जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हैं एक बार तो यहाँ पे अब शो करेगा स्नो मोड, मड मोड और सैंड मोड, ये सारे काफ़ी आ जाते हैं इसमें। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं जैसे अभी ड्राइव मोड्स में, जैसे इसमें आते हैं ड्राइव मोड्स में, इसमें आते हैं ये नॉर्मल, नॉर्मल, इको और ये स्पोर्ट। और जो इसके ट्रैक्शन के आ जाते हैं वो इसमें आ जाते हैं स्नो, मड और ये सैंड का। इसके यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट विद सम स्टोरेज, ग्लव बॉक्स, इतने कुछ इसकी स्टोरेज है। ये आपको कूल फंक्शन के साथ नहीं मिलता है, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ सन वाइजर विद टिकट होल्डर, सनग्लास होल्डर, कैबिन लाइट्स वाइट एलईडी में आ जाती हैं। सर यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सन वाइजर विद मिरर। इस तरफ इसको ऑटोमेटिक डिमिंग आईआर में आ जाता है और इसी पे आपको एसओएस का बटन और किया कनेक्ट का बटन भी मिल जाता है। अब मैं ड्राइवर वाली सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं पीछे कितना स्पेस है। रियर वाले डोर पे आपको यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, डोर ओपनर सिल्वर में, सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, बॉस के स्पीकर्स, यहाँ पे वाटर वाटर होल्डर कुछ सामान रखने के लिए, सॉफ्ट टच मिल जाता है इस तरफ। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है इस वाली सीट पे भी, 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एयर प्योरीफायर मिल जाता है जो कि इसकी कंट्रोल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं
एसी वेंट, यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज मिल जाती है, चार्जिंग का पोर्ट, रियर वाली सीट पे आपको आर्मरेस्ट ऑफर हो जाता है, ये फिर टू कप होल्डर्स, टोटल आपको 5 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फ्रंट के 2 और रियर के आपको 3 मिल जाते हैं हेडरेस्ट, वो भी एडजस्टेबल। रियर वाली सीट को आप इन वाली सीट्स को 60-40 रेशियो में स्प्लिट कर सकते हैं, ये 40%, ये 60%। रियर वाली सीट आपको 2-way एडजस्टेबल मिल जाती हैं, आपको आप इनको 2-way रिक्लाइन कर सकते हैं, जैसे अब ये इसका हो गया फर्स्ट मोड, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और रिक्लाइन करके और कंफर्टेबली बैठना चाहता हूँ तो आप इसको ऐसे करके और पीछे कर सकते हैं। अब ये पूरे रिक्लाइनिंग मोड पे जा चुकी है अभी सीट, और ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, कैबिन लाइट्स वाइट LED में, इस तरफ भी ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे भी आपको सन ब्लाइंड मिल जाता है। अगर स्पेस की बात करी जाए, मेरी हाइट 5.8 है, आप देख सकते हैं तब भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रहा है मेरे लिए। अब हम चेक कर लेते हैं इसका बूट स्पेस, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाता है, 433 लीटर्स का आपको उसमें बूट स्पेस मिलता है, और यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज मिल जाती है, और थोड़ी सी यहाँ पे सबवूफर मिल जाता है जो कि शायद से बॉस का नहीं है क्योंकि ब्रांडिंग में नहीं है इस पे बॉस की। बूट लाइट मिल जाती है, पार्सल ट्रे, और इसके नीचे आपको स्पेयर टायर जिसकी प्रोफाइल है 205/65R16 इसका स्टीरियो मिलता है आपको ये, और ये टूल किट, अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। किया सेल्टोस में आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 1.5 पेट्रोल, 1.4 पेट्रोल और 1.5 डीजल। जो अभी हमारे सामने 1.4 पेट्रोल इंजन है, इसके इंजन स्पेक्स की बात करी जाए, इसमें आपको 1400 सीसी का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि मैक्सिमम पावर निकालता है 140 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क 242 न्यूटन मीटर की। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। किया सेल्टोस का GT लाइन वेरियंट है जो कि इसका टॉप लाइन वेरियंट आता है, इसका एक्सशोरूम प्राइस है 17 लाख रुपए और ऑन रोड प्राइस है 19,17,000 रुपए। ये था किया सेल्टोस GT लाइन का रिव्यू, आपको गाड़ी कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।